पाकिस्तान के कुछ मैंने देखा अभी न्यूज चैनल्स इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो बजट था वो अप्रूव्ड हो गया आईसीसी ने। अभी ना मैं तीन से चार ना मैं ना अब आपको ना पढ़ के सुनाऊंगा, अब आपको मैं लफज टू लफज वर्ड टू वर्ड मैं आपको ना पढ़ के सुनाऊंगा। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स क्या रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें झूठा गया और सच्चा गया वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी जो चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें ये बात है। अस्सलाम वालेकुम, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इस बड़ी खबर सामने आ गई है। चैंपियन ट्रॉफी के मुतालिक आईसीसी की मीटिंग थी जिसमें पीसीबी और बीसीसीबी भी शामिल थे। आईसीसी ने पाकिस्तान के बजट को चैंपियन ट्रॉफी के लिए मंजूर कर दिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और इससे ये साबित भी होता है कि इंडिया भी पाकिस्तान आएगा और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। इसके मुतालिक पाकिस्तानी मीडिया का रद्दमल सामने आ गया है। आइए हम पाकिस्तानी मीडिया का रद्दमल देखते हैं कि वो मजीद इसके बारे में क्या कहते हैं। जैसे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, जो गुजारिश है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या ने पाकिस्तान आना है या नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी, इस सारी बात का जो है वो एक ही था कि इस आईसीसी की मीटिंग में पता चलेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का एंड क्या होगा, इस बात का एंड क्या होगा। अब वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के कुछ मैंने देखा अभी न्यूज चैनल इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो बजट था वो अप्रूव्ड हो गया आईसीसी ने। अभी ना मैं तीन से चार ना मैं ना अब आपको ना पढ़ के सुनाऊंगा, अब आपको मैं लफज टू लफज वर्ड टू वर्ड मैं आपको ना पढ़ के सुनाऊंगा। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स क्या रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें झूठा गया और सच्चा गया वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी जो चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें ये बात है कि जो बजट है वो अप्रूव कर दिया गया आईसीसी की तरफ से और आईसीसी ने 100% श्योरिटी दी है बीसीसीआई को। सुनते जाइएगा, आईसीसी ने 100% श्योरिटी दी है बीसीसीआई को कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। मतलब आईसीसी ने ये श्योरिटी दी है और वो कहते ना कि टिक्का निशान लगा दिया है कि भाई जो है वो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के कोई मसले नहीं है। ये बात उन्होंने आईसीसी बीसीसीआई को बताई है, ये बात उन्होंने जो है वो आपको बताई है। मतलब मेरी एक बात सुनो, आईसीसी के यहाँ तो आईसीसी की गोदी में आप लोग बैठे हुए थे जाके कि आईसीसी ने यह बताया जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसले नहीं है। हाँ, मैं इस बात पर बात नहीं कर रहा सिक्योरिटी पे, लेकिन आईसीसी ने 100% जो आप कह रहे हो जी 100%, हाँ आईसीसी ने ओवरऑल बताया होगा, बीसीसीआई को नहीं पॉइंट आउट करके बताया, तो अपनी ये चीज करेक्ट करो। हाँ, आईसीसी ने ओवरऑल बताया होगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला नहीं है, आप बाकी टीमें जा सकती हो, ठीक है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी मीडिया इसको पॉइंट ऑफ आउट करके बता रहा है कि जी स्पेशली जो वो स्पेसिफिक जो है वो बीसीसीआई को मेंशन करके बताया गया, तो इस बात में तो भाई मुझे कोई हकीकत नजर नहीं आ रही, इस बात में तो मुझे कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही जो वो। और उसके बाद जो है वो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो अगली बात आई है वो अब वो बात सुनते जाएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चीज रिपोर्ट कर रहा है कि जो बजट है वो अप्रूव्ड हो गया, मतलब जो जितना बजट था ना वो अप्रूव्ड कर दिया गया, और जितना बजट अप्रूव्ड हुआ ना उसमें चैंपियंस ट्रॉफी जितनी पाकिस्तान में होनी है ना उसका बजट अप्रूव हुआ है। तो पाकिस्तानी लोग या मीडिया हमारा ये इस बात को क्लेम कर रहा है कि जी जो हाइब्रिड मॉडल का बजट था वो नहीं है इसमें, तो जी इसका मतलब है जी इंडिया पाकिस्तान आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। अब मैं आपको बताता हूं कि वो और ये इसमें हकीकत क्या है। वो बात ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक जो चैंपियंस ट्रॉफी क्या वो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है। इस मीटिंग में वो बजट डिस्कस हुआ है और वो बजट डिस्कस हुआ है आईसीसी के सामने जाके, आईसीसी ने उस बजट को अप्रूव कर दिया कि सर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में जो बजट है वो अप्रूव कर दिया आईसीसी ने, ठीक है। इतना तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ मैचेस तो पाकिस्तान में होने ही होने हैं। लेकिन जो बीसीसीआई है वो सबसे ज्यादा अमीर बोर्ड है, वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड है, 80% रिवेन्यू वो आईसीसी को देता है, ठीक है। आईसीसी ने जो बजट अप्रूव किया है वो पीसीबी वाला किया है, और वो जो बीसीसीआई जो रिचेस्ट बोर्ड है अगर पैसों का मामला आ जाएगा ना तो शायद बीसीसीआई 15 चैंपियंस ट्रॉफी करवा दे एक ही टाइम में। तो ये जो कह रहे ना कि जी वो बजट अप्रूव हो गया है और उस बजट में तो जी हाइब्रिड मॉडल होगा ही नहीं, ये तो वो हो गया ना जिस तरह हम दोस्त यार कहते हैं कि यार आओ सारे कुछ ना कुछ पैसे डालते हैं, आओ जो वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चलते हैं, अगर यार 15,000 टू डाल ले, 15 टू डाल ले, अब 50,000 बन गया, तो जी ये 50,000 जब खत्म होगा तो हम वापस आ जाएंगे। एक अंदर से वो अमीर लड़का होता है वो कहता है कि यार अगर चलो मेरे से ज्यादा ले लो तो ज्यादा दिन रह लेते हैं। बीसीसीआई का वो हिसाब है, वो अमीर बोर्ड है, वो अपने बलबूते पर चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेगा बाहर। तो ये जो अभी बात को आप इस बात को कर रहे हो हाईलाइट करके थोड़ा पॉइंट आउट करके बता रहे हो, ये बात वो नहीं है जो आप बता रहे हो, बात वो है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, बात वो है। तो आईसीसी की मीटिंग है उसमें जय शाह और जो है वो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की कोई बातचीत नहीं हुई, पीसीबी और बीसीए की बात रात को नहीं आ, जिधर पीसीबी ने
आईसीसी पीसीबी ने आईसीसी के साथ जो बात किया वो मैं भी बताता हूँ आपको। पीसीबी ने आईसीसी के साथ बात किया कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम देखेंगे कि अगर विंडो खाली हुई तो उस विंडो में हम पेशकश करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज को, T20 सीरीज या वनडे सीरीज हो जाए पाकिस्तान और इंडिया की। और ये बात भी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जय शाह के साथ करनी है रात को, और उधर ही चैंपियंस ट्रॉफी की मेन बातें भी होंगी। अब मैं आपको जो सबसे बड़ी बात बताने लगा ना वो सुन लीजिएगा, जो भी देख रहा है भाई, जो प्रेस रिलीज आई